क्लास नाइन्थ, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। इसके पहले रियल नंबर्स था, उसके कुछ टॉपिक्स मैंने बता दिए थे, एक दो टॉपिक छोड़ा हुआ था। पॉलिनोमियल आपने पढ़ लिया, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है ग्रुप में। लाइंस एंड एंगल्स ये ख़त्म होने के बाद आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपको पता है ना, स्कूल में इस टाइम टाइम होता है पीरियोडिक टेस्ट का, तो पीरियोडिक टेस्ट ये आपको देना है आपको, ठीक है। ऑनलाइन होगा और इस बार इस तरीके से तैयारी होगी कि आप एक दूसरे का हेल्प ना कर सको बैठे बिठाए, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। और ये जो टेस्ट का रिजल्ट होगा, मार्क्स होगा, वो फाइनल के लिए ऐड होगा। तो आप सीरियस होकर पढ़ना शुरू कीजिए, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो। लाइंस एंड एंगल्स, अगर एक बताइए ये कंसेप्ट आया कहाँ से, पता नहीं आपने एट क्लास में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं मान के चलता हूँ नहीं पढ़ा। जैसे आप स्कूल आते हो तो कोई 100 मीटर चल के आता, कोई 200 मीटर, कोई पड़ोस में किसी का घर है तो 100 मीटर, 150 मीटर, दूर से आता 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को मेजर कर लेते हो ना, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। क्या होगा जब मैं ऐसे मूव करता हूँ, मान लो ये देखो मैंने पेन को ऐसे रखा हुआ, ऐसे ये रहा पेन मेरा, अब पेन को मैं ऐसे मूव करता हूँ, पेन को यहाँ पे पहुँचा दिया। अब इसको कैसे मेजर करोगे, ये तो टेढ़ा है, सीधा लाइन तो है नहीं, है ना। अब ये इस चीज़ को मेजर किया जाता है डिग्री में, है ना। जैसे मान लो ये 30 डिग्री, है ना, ये यूनिट होता है, जैसे डिस्टेंस का मीटर सेंटीमीटर, तो एंगल का होता है डिग्री में। तो हमारा जो पेन का जो टिप था ऐसे मूव किया 30 डिग्री पे, मान लो ये 30 डिग्री है। तो जरा एक बात बताओ, जैसे ये देखो मैं यहाँ पे पेन को यहाँ पे रखता हूँ, एक पूरा चक्कर लगाता हूँ, पूरा चक्कर, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चक्कर लगा लिया मैंने, देख लो इसको ओ कहते हो, यहाँ से चलो, तो ये कंप्लीट चक्कर है ना, 360 डिग्री। आपको याद है आपके पास जो घड़ी होता है रिस्ट वॉच, ऐसा वाला एनालॉग, इसमें जो सेकंड वाली जो सुई है ना, वो एक मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। पूरा चक्कर का मतलब वन कंप्लीट राउंड का मतलब 360 डिग्री। तो जो सेकंड वाली सुई है ना, एक मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। जो मिनट वाली सुई है ना, जिसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, वो एक घंटे में पूरा चक्कर मारता है 360 डिग्री, है ना। जो आवर हैंड होता है ना, आवर घंटे वाली सुई, वो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है भाई, 360 डिग्री। तो एक पूरा चक्कर 360 डिग्री। तो मैं जल्दी से आता हूँ इसके टर्म्स पे, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, नहीं क्या बोलते हैं इसको, कंप्लीट एंगल। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देना, देखो जरा, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। क्या होगा अगर मैं आधा घुमाता ऐसे ऐसे पेन को, ऐसे ऐसे करके लाता, तो उसका आधा हो जाता 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर, 360 को दो पार्ट में डिवाइड किया, एंगुलर बाइसेक्टर 180 बाइसेक्टर। तो नए नए टर्म्स आएंगे तो सुनते जाओ, बाई का मतलब होता है दो, सेक्टर का मतलब होता है डिवाइड करना, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना 180। तो 180 आप देख रहे हो, उसकी शक्ल देख रहे हो, पेन पहले ऐसे था ऐसे था, तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया ना। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, राइट, एन एंगल, बोलते जाओ मेरे साथ, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, क्लियर है। तो क्या हो गया ये स्ट्रेट एंगल। अब क्या होगा अगर मैं इसका भी आधा कर दूं, तो ऐसे कर दूं, तो 180 का बाइसेक्टर 90 डिग्री हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइट एंगल, क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल। तो क्या ये देख रहे हो, बोलते जाओ भाई 90 डिग्री। अब इसका भी आधा कर दिया तो 45, है ना। अब एक टर्म आता है एक्यूट एंगल, है ना, एन एंगल हुज, मतलब इसको क्या कहते हो, कौन से एंगल को एक्यूट एंगल कहते हो, लेस देन 90 वाले को, लेस देन, बस मैं ऐसे लिख दूँ, समझ जाना, आपके बुक में भी डेफिनेशन दे रखा, जो एंगल 90 से कम उसको क्या बोलोगे, एक्यूट। फिर एक आता है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, ऑब्ट्यूज होता है मोर देन 90 बट लेस देन 180, राइट, मोर देन 90 लेस देन 180, ठीक है ना। मतलब कोई एंगल थीटा है तो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है,
मैं इक्वल का साइन लगा नहीं सकता क्योंकि 90 के इक्वल हो गया तो राइट एंगल, वो यहाँ भी इक्वल नहीं लगाऊंगा क्योंकि अगर 180 के इक्वल हो गया तो स्ट्रेट एंगल, बस जो एंगल 90 से बड़ा मोर देन 90 बट लेस देन 180 इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जैसे मान लो कोई इस तरीके से एंगल है तो ऐसा सीधा अगर हो जाए तो ये क्या हो गया 90, उससे थोड़ा बड़ा हो जाए। मैंने मान लो एक एंगल लिया 120 डिग्री है ना, तो किसका एग्जांपल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल का। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल है। इसके बाद एक आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल तो 180 से बड़ा 360 से, इसी को देखो। अब ये पता हो पूरा का पूरा ऐसे गोल गोल घूम जाओ तो कितना बनता है 360, यहाँ से यहाँ तक 120 है, ये 120 है, ये वाला 120 है, तो बचा खुचा ये कितने का हो जाएगा, 360 में से 120 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, 240 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा वाला जो पोर्शन है ना वो क्या बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में क्या जानते हो, क्या बताऊँ कि ये मान लो कोई थीटा है तो 180 से बड़ा होना चाहिए, मोर देन 180 बट लेस देन 360, दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया ना, ये सब और भी बार आएगा, कई बार आएगा। इसके बाद देखो अब दो दो एंगल की बात करो, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, ठीक है इसकी बात करता हूँ। अब दो दो एंगल की बात करो, अब इस टर्म्स को देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक एक एंगल के बारे में मैंने बता दिया था, अब दो दो एंगल के बारे में बताता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब इस यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स शुरू हैं, प्रॉब्लम शुरू हैं। तो दो एंगल जिनको ऐड करने के बाद 90 डिग्री हो जाए ना, जैसे 30 हो गया 60 हो गया, ऐड करो तो 90 हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ ना कि द लो टू एंगल्स, टू एंगल्स सम ऑफ हूज मेजर 90 डिग्री है ना, इस पर क्वेश्चंस हैं अभी बताता हूँ। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल टू एंगल्स सम ऑफ हूज मेजर 180 डिग्री, ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये इस पर क्वेश्चंस मैं शुरू करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ना कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री, ठीक है 20 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री, तो 70 हो गया ना, तो हम आपका आंसर क्या हो गया 70, बात समझ रहे हो, आंसर क्या हो गया 70 डिग्री। समझो यहाँ से आपके क्वेश्चंस शुरू है, क्योंकि 70 प्लस 20 क्या हो गया 90। फाइंड अगर मैं यहाँ पे यही कहता ना, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री, तो क्या होता, मान लो एक्स है इसका सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री किसको कहते हो, द सम ऑफ हूज मेजर 180, इन दोनों को 180 होना चाहिए, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एक्स इक्वल टू 160 डिग्री। तो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70 आया था और 20 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 160 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखना एक क्वेश्चन देखिए, डेफिनेशन क्लियर हो गया। क्वेश्चन है कि विच एंगल, विच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इट्सेल्फ, मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंगल है जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा कौन सा एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, किसको कहते हो, जिसको ऐड करने के बाद दो एंगल जिसको ऐड करने के बाद 90 हो जाए। तो लेट करो सॉल्यूशन, आपको पता है ना 45 प्लस 45, तो 45 अपने आप का कॉम्प्लीमेंट्री आ गया कि नहीं, क्योंकि 45 में 45 ऐड करोगे तो 90 आएगा कि नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन लेट वो एंगल मान लो थीटा है, तो थीटा में थीटा क्योंकि खुद में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ से थीटा क्या हो गया 45। अगर यही पे कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री होता, सप्लीमेंट्री कि कौन सा ऐसा एंगल है जो खुद का सप्लीमेंट्री है, तो किस एंगल में खुद को जोड़ोगे तो 180 हो जाए, तो वो 90 होगा,
क्योंकि 90 प्लस 90 क्या होता है 180, तो 90 खुद का सप्लीमेंट्री हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक ऐसा बोलता हूं, देखा ध्यान सुनना, इफ कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पे नजर रखो भाई, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो, आर इन रेशियो 3:2, फाइंड देम। कॉम्प्लीमेंट्री है जिनका रेशियो है 3:2, तो वो एंगल क्या है, 3:2 है। रेशियो आपको पता है ना, जैसे थोड़ा समझिए सॉल्यूशन बड़े ध्यान से, नाइन्थ क्लास, 300 और 200 का रेशियो क्या होगा, ऐसी बात कर लेते हैं आपसे आज। देखो 3:2, 300,000 और 200,000 का भी रेशियो क्या होगा, तब भी यही होगा 3:2, 3:2। तो रेशियो कैसे निकालते हो, कॉमन कैंसिल करने के बाद, कॉमन कौन सा, इसमें तो एक जीरो भी कॉमन है, 100 भी कॉमन है, 1000 भी, तो सबसे बड़ा कॉमन होता है उसको कैंसिल करते हो ना, उसको HCF कहते हैं, ठीक है ना, कॉमन फैक्टर। तो जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में इफ़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो, दो एंगल है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, इसका रेशियो है, लेट कॉमन फैक्टर, सॉल्यूशन देखिए, कॉमन फैक्टर इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो रेशियो है ना उस रेशियो तक हम पहुंचे हैं क्या कैंसिल करके, एक्स, तो देयरफॉर एंगल्स आर 3x एंड 2x, याद है ऐसे क्वेश्चन तो खूब बनाए होंगे 8 क्लास में शायद। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम है ना 90 डिग्री हो गया, सिंस सम ऑफ सम मेजर्स 90 डिग्री बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ से x निकाल लो, 5x इक्वल टू क्या हो गया 90, देन x इक्वल टू क्या हो गया 18 डिग्री, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये देखो 18 थ्री जा 54 डिग्री और दूसरा 18 टू जा 36 डिग्री, ये हो गया हमारा, है ना, इसी एंगल की बात कर रहा था, ये 3:2 रेशियो में और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। अगर यहीं पे अगर मैं कहता ना कॉम्प्लीमेंट्री हटा के यहाँ पे रहता सप्लीमेंट्री, समझ रहे हो ना बात को, सप्लीमेंट्री और यही है, तो बस यहाँ पे खाली क्या कर लेते 180 कर लेते क्योंकि सप्लीमेंट्री है, यहाँ से x निकाल के देखोगे, सॉरी ये तो 180 ठीक है, यहाँ से 36 आ जाएगा, 36 से मल्टीप्लाई करना 108 और 72 ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा इन पे। इसके बाद आगे और टर्म्स लेके चलते हैं, एक टर्म्स आएगा एडजेसेंट एंगल, है ना, एडजेसेंट एंगल दो साथ वाला एंगल कहने का मतलब, मान लो कुछ ऐसे इस तरीके से एंगल है, ठीक है ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया एडजेसेंट एंगल, ठीक है। बस आपको इसके डेफिनेशन पर नहीं जाना है, पर याद रखना कि जब ये एडजेसेंट एंगल का होना तो आप पास पास वाला एंगल समझ जाना कि एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लीनियर पेयर, है ना, जैसे एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, ये देखिए एक ये लाइन है, मान लो ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ये मान लो ए है और ये बी है, आपको पता है कि यहाँ पे अभी ये जो एंगल बनता है ये कितना बनता है 180 ना, एक पूरा चक्का लगा लेते तो कितना बनता है 360, उसका आधा 180, तो जो स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल होता ना, ये एडजेसेंट एंगल्स उसका सम क्या होता है 180, तो यहाँ पर देखना ए प्लस बी अगर 180 है ना तो इसका मतलब क्या हो गया स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं ए एंड बी लीनियर पेयर। अब पेयर का मतलब होता है दो, तो कोई दो एंगल जिसका सम 180 होता है ना तो लीनियर पेयर। और अगर ध्यान से सुनना, अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, कोई स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे कोई एंगल ऐसे बना लेते हैं, तो इस एंगल और इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर, क्योंकि ये एंगल कहाँ पे बना है, ये एडजेसेंट एंगल है किसका, स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एडजेसेंट एंगल होगा उनका सम क्या होगा 180। ये अगर आपको प्रूव करना है ना कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इस पे जो भी एंगल्स बन रहे हैं, फिलहाल तो दो बन रहे हैं,
उनका सम क्या हो जाए 180, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। और दो एंगल का सम जब 180 होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अब इस पे भी क्वेश्चंस आएगा लीनियर पेयर पे। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, एक ऐसे ओ ले लिया मान लो इधर से, ये दो एंगल बना रहा हूँ ए और बी है ना। तो कहता है कि मान लो क्वेश्चन कह रहा है या क्वेश्चन बना रहा हूँ ए इज 40 डिग्री मोर देन, सकल से लग नहीं रहा बी बड़ा है, बी इज 40% मोर देन ए, फाइंड ए एंड बी है ना। और साथ में आपको बोला होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, तुम देख ही रहे हो मैंने फिगर में बना रखा। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 180। इसको ऐसे लिख देना लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनेगा तो दोनों का सम 180 होगा। तीन एंगल बनेगा उन सबका सम क्या होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना है। पर इसको तुम पेयर तो नहीं कह सकते ना, तीन वाले को दो वाले को कह सकते हैं। अब देखो ए, इसको मान ले चलो ए को ए रहने दो। अब बी को मैं क्या लिखूँ, वो ए से 40 ज़्यादा है ना, इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2a इक्वल टू क्या होगा 40 को उधर लेके जाओ 140, तो a इक्वल टू क्या निकल गया 70 डिग्री। समझ रहे हो, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। इस पर क्वेश्चन हैं, फिर यहाँ से भी वही आएगा, इनका रेशियो दिया रहेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये तीन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखो जरा। पहला क्वेश्चन देख रहे हो, एक्स निकालना है, इसमें इन तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ लिखना भूल गया कोई बात नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो फर्स्ट का अगर मैं कहूँ ना, तो एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस 7 सबका सम क्या होना चाहिए 180। एक्स एक्स 3x और 20 और 10 30 को उधर लेके जाओ 150, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 50 डिग्री। समझ रहे हो ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन को देखो, देख रहे हो ना ये क्लियर है ना, ये 30 आया, 30 को उधर लेकर गए 180 माइनस 30 150। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल दे रखा ABC है ना, तो ये हो गया इस ऐसे बुक को बोलते हैं एंगल, शायद पहले देखा होगा एंगल ए एंगल बी है ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये हो गया एंगल ए एंगल बी। आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, पहले पढ़ा था कि नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ट्रायंगल में तीन ही एंगल्स होते हैं, तीनों का सम क्या होता है 180, सम ऑफ इंटरनल, राइट। अब वहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे, एंगल ए इक्वल टू क्या दे रखा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू। बी और सी को क्या लिख सकते हो 180 माइनस ए लिख सकते हो। जरा देखो बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो, इधर लेके जाओ तो 180 माइनस ए, तो एंगल ए इक्वल टू बी प्लस सी को मैं क्या लिख दूँ 180 माइनस एंगल ए बाई टू। टू को इधर लेकर आइए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन था ठीक है, 2a 2 एंगल ए इक्वल टू क्या 180 माइनस एंगल ए, ए को इधर लेकर आओ, 2 पहले से था, तीन बार हो जाएगा ना, इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल ए इक्वल टू क्या निकल गया 60 डिग्री है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है थर्ड वाला, प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगला देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसके लिए दो लाइन चाहिए मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड, आगे से मैं यूज करूंगा ऐसा VOI, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब ये दो लाइन काट रहा है मान लो ऐसे, तो ये आमने सामने का एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल,
इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो जरा देखो, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको ए कह लेता हूँ, इसको बी कह लेता हूँ, इसको सी कह लेता हूँ, इसको डी कह लेता हूँ। तो आपको क्या प्रूव करना है, ए सी के बराबर है, बी डी के बराबर है। ठीक है, ये तो अब जरा एक बात बताओ, इसको ए कह लेता हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी कैपिटल, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं, इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ ओ, क्या कह लेता हूँ ओ, और ये वाला एंगल मैंने क्या लिया हुआ था, डी। ठीक है, इस बी को लिखने का तरीका क्या है, इस बी को मैं या इस ए को कैसे लिख सकता हूँ, एंगल ए ओ डी, ए बीच में क्या आ गया, ओ, समझो लिखने का तरीका, ए ओ डी, किस एंगल की बात कर रहा हूँ, ए। बी को कैसे लिखोगे, बी को लिखोगे एंगल बी ओ डी, तो ये एंगल हो गया, या डी ओ बी, बीच में जो आ गया वही एंगल है। बी ओ सी, ये वाला एंगल हो गया, ए ओ सी, ओ यहाँ है ना, तो ये वाला एंगल हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, अभी यहाँ पे क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव ए इक्वल टू, ए इक्वल टू डी एंड बी, ए इक्वल टू, सॉरी ए बी यहाँ पे सी था, सॉरी ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, ये है प्रूव दैट, ये प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी। आपको प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो जरा आप ये देख रहे हैं, इसको लेके चलो, ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन है, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जरा देखो, ए बी इज अ, सॉल्यूशन शुरू करता, प्रूफ शुरू करता मैं, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, स्ट्रेट लाइन है तो जरा इस पर दो एंगल बन रहा है ना, तो देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। इसको क्या बोलते हो, लीनियर पेयर, याद है, इसको आप बोलते हैं लीनियर पेयर, है ना। उसी तरीके से देखो सी डी, सी डी, सिंस सी डी इज स्ट्रेट लाइन, सी डी भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, देख लो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर ये दो एंगल बन रहा है, तो ये भी तो एंगल 180 होगा ना, तो इस पर कौन सा एंगल बन रहा है, ए और डी, इसको मैं फर्स्ट कह लेता हूँ। अभी आप देखिए, तो देयरफॉर यहाँ पे ए प्लस डी इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 180, ये हो गया सेकेंड, समझ रहे हो ना मेरी बात, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। सुन लो, पहले तो मैंने ये लिया था, तो यहाँ से ये एंगल 180, ए और बी 180, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल, लीनियर पेयर, अब ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 180, इस पे दो एंगल आ रहा है ना, ए और डी, तो 180। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में, देखो ए और ए कॉमन आ गया ना, इसका मतलब बी और डी इक्वल है कि नहीं, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देख रहे हो ए बी ए डी, ए दोनों में कॉमन है, दोनों का सम भी सेम है, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, डी, बी और डी बराबर हो गया, बस सिमिलरली करके ऐसे लिख दो, सिमिलरली ए बराबर क्या हो जाएगा, सी, ए किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, ये देखो एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना। कुछ और क्वेश्चन बताते हैं आपको, फाइंड वाई, ये दो क्वेश्चन और लेता हूँ, तीन क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ, उसको देख रहे हो, फाइंड वाई, फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बना हुआ, इस तरीके से बना हुआ और ऐसे बना हुआ, नहीं ये 2y है, ये भी 2y है और ये 5y है। अभी आपने पढ़ा था ना वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, ये 2y के सामने वाला जो है ये भी क्या होगा 2y, रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 2y है, इसके सामने वाला भी क्या होगा 2y, एंगल 2y के सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल 2y होगा, ये 5y है, इसके सामने भी क्या होगा 5y होगा,
है ना, समझ रहे हो ना क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सबको हम सारे एंगल को जोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे गोल गोल, तो 360 होगा कि नहीं होगा। तो मुझे यहाँ से जोड़ना शुरू करता हूँ, ऐड 5y प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2y प्लस 5y प्लस 2y प्लस 2y, 1 2 3 4 5 6, 1 2, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये सबको ऐड करके क्या होगा, कंप्लीट एंगल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से तुम y निकाल लोगे ना, यहाँ से y निकल जाएगा, 5 प्लस 2 7 9 आ गया 14 16 18, तो यहाँ से 18 y इक्वल टू क्या हो गया 360, देन y इक्वल टू क्या हो गया 20 डिग्री, ऐसा कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसके सामने वाला ये 2y है तो 2y, 5y है तो 5y, फिर सबको ऐड करके 360। अब क्वेश्चन फिफ्थ को देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ को देखो, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इसको हटाओ, पूरे मोहल्ले में खाली यही क्वेश्चन दिखना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, लो भाई ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो एक पक्का है ना कि इस पर जितना भी एंगल होगा सबको ऐड करने के बाद क्या होगा, 180 है ना, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन 180 को बोलते ही वो स्ट्रेट एंगल नहीं रहे। OP बाइसेक्ट एंगल BOC, OP क्या है, OP ये है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BOC बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, BOC दो इक्वल पार्ट में है ना, ये दोनों एंगल बराबर है। इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ ना, अच्छा थीटा बीटा रहने तो कन्फ्यूज हो गए फालतू में, ए और ए मान लिया, तो बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। OQ बाइसेक्ट, OQ किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AOC को, इसको अगर B मान लिया ना तो ये वाला भी क्या हो गया, B हो गया। अब जरा एक बात बताओ है ना, एंगल BOP किसके, देखो कौन सी एंगल की बात कर रहा हूँ, लिखना सीखो, एंगल BOP है ना, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू एंगल COP है ना। रीजन क्या है, सिंस OP लिखने का जो तरीका, OP बाइसेक्ट एंगल किसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, AOC को बाइसेक्ट कर रहा है ना OP, तो ये वाला एंगल वही तो लिखा, ये वाला एंगल बराबर होगा, देयरफॉर इक्वल टू क्या हो गया, A, ये मैंने लेट कर लिया। सिमिलरली अब ये भी OQ भी बाइसेक्ट कर रहा है, सिमिलरली लिख दिया, सिमिलरली काफ़ी है, एंगल A समझाने के लिए ठीक है, इक्वल टू एंगल COQ इक्वल टू B, दोनों एंगल बराबर है, इसको भी। अब बताइए सारे एंगल का सम क्या होगा, 180, तो ज़रा बताइए A प्लस बी प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 180। रीज़न क्या है, रीज़न है एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन पे एंगल जो भी जितना सारा एंगल होता 180 होता, क्योंकि 180 को कहते ही स्ट्रेट एंगल। 2A प्लस 2B इक्वल टू 180, अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, A प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 180, तो देयरफॉर यहाँ से A प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 90। आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल POQ कहाँ है, POQ इसकी बात कर रहा है ना, इसमें A और B आ गया कि नहीं आ गया, और A और B ऑलरेडी 90, तो अब जरा देखो एंगल POQ इक्वल टू A प्लस बी दिख रहा है ना, और वो 90 इक्वल टू 90 यहाँ से, हैंस प्रूफ, बस यही प्रूफ करना था, समझ रहे हो। अब देखिए जरा, अब ये तीन क्वेश्चन और देखो, 6 7 8 उसको देख रहे हो, फाइंड ABC, मैं इसको यहाँ से बना लेता हूँ, बहुत ध्यान से दिखेगा, इस तरीके से है, इस तरीके से है, इस तरीके से है ना, ऐसे गया होगा, ठीक है, ये है आपका A, ये है आपका 30 डिग्री, ये है 50 डिग्री, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 6 का, ये B, ये C और ये D। मुझे बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है ना, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA समझ जाओगे ना, आगे लिखूंगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आपका ये B आ गया, ये भी कितना आ गया, 50 डिग्री। बाद में जो भी एंगल आ रहा है ना, मैं इसको ब्लू इंक से लिख देता हूँ, तुम समझ जाओ ना, ये 50 डिग्री, 50-50 बराबर। अब मुझे एक बार बताओ ये तीनों का सम क्या होगा, 180 है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्ट्रेट लाइन दिख भी रहा। अब देखो 30 प्लस ए प्लस 50
इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। रीजन क्या है, एंगल्स ऑफ एसटी मतलब स्ट्रेट लाइन, राइट। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे उस तरीके से नीचे भी जितना बनेगा वो भी 180 होगा, ऊपर वाला 180 है फिलहाल। तो यहाँ से ए निकाल सकते हैं ना, 50 + 30 = 80। तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो गया 100, ए तुम्हारा हो गया 100। अब ए के सामने क्या है, सी है ना, तो जरा एक बार बताओ एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ए, काहे के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब सी भी कितना हो गया 100, क्योंकि ए हमारा क्या निकल गया था 100, ये दोनों आमने सामने है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी निकल गया, सी निकल गया, डी। अब मुझे एक बार बताओ यहाँ से देखो तो बी प्लस सी प्लस डी ये तीनों भी क्या है 180। इसका भी रीजन क्या है, एंगल्स ऑफ कौन सा लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बी की जगह अब क्या रखिएगा 50 डिग्री, सी की जगह पे क्या रखिएगा 100 डिग्री, और डी की जगह पे क्या रखिएगा, डी तो मालूम ही करना है, तो यहाँ से डी आ जाएगा, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था, उधर देखो मेरे लिए चाय आ गया, जल्दी से ख़त्म करता हूँ, समझ रहे हो, देख रहे हो। तो डी इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। देखो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं दोबारा से बता दूंगा। इसके बाद आ जाइए इस पे, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, फिर से बना लेता हूँ तुम्हें। देखो किस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ, इस तरीके से बना हुआ, ऐसे बना हुआ शायद, हाँ ठीक है, ये एक्स है, अच्छा नहीं इतना बेहुदा ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। तो ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, ये वाला 60 डिग्री है ना भाई, और ये वाला क्या एक्स है, ये वाला 2x है, और ये यहाँ से यहाँ तक z है। तुम्हारे सामने फिर से बना रहा हूँ, देखो आप कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है, 7। अब मुझे एक बार बताओ ये स्ट्रेट लाइन दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, तीनों का सम क्या हो जाएगा 180 होगा कि नहीं होगा, तो x प्लस 60 प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। इसका रीज़न क्या है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना भाई। तो यहाँ देखिए तो 3x 60 को उधर लेके जाओ 120, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 40 डिग्री, x निकल गया, x 40 हो गया, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया 40, तो 40 का डबल, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया 40 × 2 = 80। अब बताइए आमने सामने है कि नहीं, देखो तो ऐसे दो लाइन सीधा कट कर रहा है, ये आमने सामने है कि नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जरा एक बात बताओ, यहाँ से जो ये 5y है इसको 2x के बराबर कर दूं, रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 5y और 2x 40 = 80 देख रहे हो, तो यहाँ से तुम y निकाल सकते हो ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 डिग्री, y 16 हो गया वैल्यू, डिग्री में रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये z क्या होगा, ये तो किसी के सामने है नहीं, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे सुन लो, और ये लाइन अगर ऐसे जाता ना तो फिर ये आमने सामने हो जाता, फिलहाल तो ऐसा है नहीं, ये लाइन यहीं तक है, पहले ये समझ में आ गया। अब लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों जो है ना, ये फिर से स्ट्रेट लाइन का एंगल है कि नहीं, बताओ ये दोनों का दोनों पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल है कि नहीं। तो जरा एक बात बताइए, 2x प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। ये दो ही एंगल, इसको तो मैं लिख भी सकता हूँ पेयर, लीनियर पेयर मैं लिख सकता हूँ भाई स्ट्रेट लाइन पे। तो 2x तुम्हारा 80 हो गया प्लस z इक्वल टू क्या हो गया 180, तो z इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 100 डिग्री। आप ये ना बार बार देखो क्योंकि अभी होमवर्क दूंगा कल, है ना। देखिए अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, दो क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, तो बहुत ज़्यादा आसान है थर्ड क्वेश्चन। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, रिवाइंड कर करके देखना बार बार, आप लोग डाउनलोड कर लेना मेरे वीडियो को, डाउनलोड करोगे ना तो एक महीने तक पढ़ा रहेगा, YouTube के जो फोल्डर में डाउनलोड वाला फोल्डर है ना उसमें एक महीने तक पढ़ा रहेगा। अब इसको बार बार देखिए, अगर आप लोग बार बार नहीं देखते हैं ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका तकदीर वाकई में ख़राब है, बैड लक है, ठीक है ना। आप लोग फिर पहचान नहीं पा रहे हो फिर इसका मतलब, अगर आप लोग बार बार नहीं देख रहे हो और उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो तो आपके जैसा बदनसीब कोई है नहीं, याद रखना इस चीज़ का, कभी ना कभी आपको समझ में आएगा। तो YouTube के फोल्डर में आप उसको इकट्ठा कर लेना, उसको बार बार देखना,
है ना। अगर ऐसा नहीं करता ना, वाकई में अगर मेरे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो तो मैं आपको कैसे समझाऊं कि आपकी तकदीर अच्छी नहीं है फिर तो, है ना। अभी ये देखो 40, ये दोनों आमने सामने, तो ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री देख रहे हो। अब ये जेड, अब ये देखो ये फिर से क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से y प्लस 40 बार बार लिखना पड़ेगा, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन 180। तो यहाँ से y इक्वल टू 140, ये पता चल गया, ये 140 है, ये 140 है। फिर आमने सामने, क्योंकि दो सीधी लाइन है आमने सामने, तो w किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल। किस लिए भाई, किस लिए, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये पता चल गया, तो w भी क्या हो जाएगा, 140 डिग्री। तो जितने भी क्वेश्चंस थे ना इस टाइप के, NCERT का जो पहला एक्सरसाइज था ना उस पर, तो NCERT का मैं भी क्वेश्चन दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। फिर से आपको बताता हूँ, अगर आप ये सब फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो वाकई में, फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि आप लोग का तकदीर या किसी का तकदीर इतना ख़राब कैसे हो सकता है, ठीक है। चलो।